Hello all, welcome back to our channel Nursery to Varsity. In this tutorial we will study how to find the particular integral for algebraic function for higher order differential equation with constant coefficients. Now we will find particular integral for q is equals to x to the power m. Agar hame pi nikalna hai aur hamara q x ki power m hai aur denominator mein function of d hai. To hum yahan par kya karte hain, isko hum f d to the power माइनस वन लिखकर इन ऑपरेटेड ऑन एक्स टू द पावर एम करते हैं. नाउ दिस एफ डी विल बी एक्सपेंडेड बाय बायनोमियल सीरीज. इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं एंड देन इसको एक्स टू द पावर एम पर ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज आपका एफ डी जो है वो डी माइनस ए है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा एक्स टू द पावर एम अपॉन डी माइनस ए. हम यहाँ से इसको बायनोमियली एक्सपेंड करना है, इसलिए एक्स टू द पावर एम अपॉन माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया वन माइनस डी अपॉन ए. एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस वन अपॉन ए वन माइनस डी अपॉन ए होल टू द पावर माइनस वन ऑपरेटिंग ऑन एक्स टू द पावर एम एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ए. इसका बायनोमियल एक्सपेंशन होगा वन प्लस डी अपॉन ए प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ऑपरेटिंग ऑन एक्स टू द पावर एम. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इस सीरीज को कहाँ तक एक्सपेंड करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एम की वैल्यू क्या है. सपोज m इज इक्वल्स टू वन, वन मतलब x की पावर वन है, तो हम अगर x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वन मिलेगा, दो बार करेंगे तो जीरो और उसके आगे सारे जीरो. इसलिए यहाँ पर हम बायनोमियल सीरीज d अपॉन a आते ही इसके आगे की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो इसमें सिर्फ इतना भी हम एक्सपेंड कर देंगे वन प्लस डी अपॉन ए तो ये काफ़ी है. इफ़ m इज टू तो हम उसको डी स्क्वायर तक एक्सपेंड करेंगे, एम थ्री होगा तो उसको डी क्यूब तक एक्सपेंड करेंगे, लाइक दिस. नाउ आई विल टेक वन क्वेश्चन टू शो यू हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन. से आर क्वेश्चन इज डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर. सो फर्स्ट वी विल फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एम स्क्वायर सॉरी एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम इज इक्वल्स टू जीरो. टेकिंग एम एज कॉमन दिस इज एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से एम की वैल्यू आई जीरो वन एंड टू. So our complementary function will be complementary function c1 e to the power 0x that is 1 plus c2 e to the power x plus c3 e to the power 2x. इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी differential equation का जो order होता है उसमें उतने ही constant आते हैं उसके general solution में, और वो सारे constant cf में ही आ जाते हैं. pi is free from constants. तो पी आई इज इक्वल्स टू नाउ दिस इज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस फोर्टी एट अपॉन डी डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू. अब यहाँ एल्जेब्राइक फंक्शन है तो इसका बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन को से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया अपना दिस इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 48 अपॉन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2d 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2d 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन टू होल टू द पावर माइनस वन. ये डी स्क्वायर माइनस थ्री डी अपॉन टू ये एक एंटिटी है,
operated on 12x square minus 24x plus 48, and this can be written as 1 upon 2d. अब इसका सीरीज खोल देंगे तो ये बन गया 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर अपॉन 4। और इसके आगे हम एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डी स्क्वायर के आगे की सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। ऑपरेटेड ऑन 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 48। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2d एंड दिस इज 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 48। जब 1 से कोई इस पे ऑपरेट करा, अब माइनस d स्क्वायर बाय 2 को ऑपरेट अगर इस पे करेंगे तो वी विल गेट माइनस 24 अपॉन 2, देन माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 डी ऑपरेटेड ऑन फर्स्ट दिस। एक देखिए, डी स्क्वायर को पहले 12x स्क्वायर पे करा ऑपरेट, तो वहां से आया माइनस 24 अपॉन 2। जब डी स्क्वायर 24x और 48 पे ऑपरेट होगा तो वैल्यू 0 0 आएगी। नेक्स्ट टर्म होती है हमारी माइनस माइनस प्लस 3d अपॉन 2, विच इज फर्स्ट ऑपरेटेड ऑन 12x स्क्वायर। इसको 12x स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो ये हो गया प्लस 3 बाय 2 इंटू 24x, और फिर इस 3 बाय 2 d को माइनस 24x पे ऑपरेट करा तो ये आ गया माइनस 3 बाय 2 इंटू 24। अब नेक्स्ट टर्म होती है ये, इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें एक टर्म आएगी d टू द पावर 4 की, दूसरी टर्म आएगी प्लस 9d स्क्वायर की, और तीसरी टर्म d क्यूब की आएगी। d टू द पावर 4 इन तीनों पर जब ऑपरेट करा जाएगा तो 0 आंसर आएगा, d क्यूब भी जब इन पे ऑपरेट करा जाएगा तो 0 आंसर आएगा। बस एक टर्म बचती है, दैट इज 9d स्क्वायर अपॉन 4। तो उसको जब हम पहले 12x स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा आएगा 9 प्लस 9 अपॉन 4 इंटू 24, और बाकी दोनों पे जब उसको ऑपरेट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस इज द रिमेनिंग टर्म एंड दिस इज 1 अपॉन 2d, ये बचती है 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 54 एंड दिस इज 1 अपॉन d, 2 से डिवाइड कर दिया तो 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 27। नाउ 1 अपॉन d का मतलब इस टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट दिस इज 6x क्यूब बाय 3 मतलब 2x क्यूब, 6x स्क्वायर बाय 2 दैट इज 3x स्क्वायर एंड 27x, ये अपना पी आई आ गया। और फाइनल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू cf प्लस pi। सो दिस इज द वे जिससे हम x टू द पावर m मतलब एल्जेब्राइक इक्वेशंस को का पी आई निकालते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can either comment in the comment box or mail us at nerd2var@gmail.com. You can also follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram. You can see the links here. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching. Stay tuned.